हेलो जी, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ कोनी पाठक। यस, किसी का कमेंट आया था कि आप गुजरात में हो तो गुजराती सीखो, तो आई थिंक कैसे को कहते हैं केमजो, उन्होंने लिखा था। सो कैसे हो? हाँ, तो वही तो, कैसे हो, उन्होंने लिखा था कमेंट। तो मैं आई एम आस्किंग टू यू केमजो, आप रिप्लाई करना माजा माँ, और माजा मतलब पीने वाला नहीं, माजा मजे वाले में। और आई विश कि आप सब लोग माजे में ही रहो। और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, ठीक है दोस्तों? तो मैं ना ब्लॉग सुबह से शूट कर रही हूँ, मैंने कहा स्टार्टिंग नहीं करी थी, तो सुबह सुबह आज हमारी बहस से हुई। तो बादाम भिगाए थे, मेरे जीजा जी खा नहीं रहे थे क्योंकि मेरे जीजा जी बहुत अकड़ू हैं। और दूसरी बात ये कि बादाम क्यों खाते हम लोग, दिमाग बढ़ाने के लिए। तो जीजा जी को बादाम खिलाना ज़रूरी है कि नहीं है, आप बताओ, है ना? तो उसी में इतना स्ट्रगल हुआ, बताओ। मैं इनको थक गई, कह गया रोज बादाम भी खाती हूँ, खाते नहीं, जल्दी खाओ, खाओ ना प्लीज। आज आज कन्नू बोले ना, पहली बार आपको कोने बोले। वेरी गुड, वेरी गुड, चार के चार एक साथ। इनकी भलाई के लिए भी अगर इनको कोई चीज बोलना तो इनको समझ में नहीं आती है, पता है? दिमाग है ना बॉय। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। क्या हुआ? जीजे को गाना चाहिए है, एक ले लूं। तू इसमें से खाए ना, उनका टिफिन में से क्यों निकाली है? अब तो इसमें से खाऊंगी। अरे मत करना, वो उनके लिए कम हो जाता है। तू यहां से खा ले। इससे कम नहीं हो जाता है, तुम्हारा प्यार कम हो गया हमारे लिए, पति ज्यादा जरूरी हो गया। अब पति जरूरी होते ही है सबसे ज्यादा। मत खाया, ये खा लेना, ये आधा बचा दे। काट के दे मेरे को, वैसे ही टिफिन पैक करने दे। तुम कहा तो जाए यहाँ से, अभी जा मत। मुझे करता है तो उसको थैंक यू बोलते हैं बदले में, ये क्या है नहीं पूछते हैं। पीछे सुंदर लग रही है, मेरे सोने की ड्रेस है। सोने की ड्रेस। और पीछे जाना, और पीछे जाना। नाइस स्लीपिंग ड्रेस है। कहाँ से आई? कितनी सुंदर। नहीं है कहाँ से आई बताओ, सुबह कोई देखे क्या? मैंने गिफ्ट करी है उनको, और नॉटिंग की देखते हो। आपने थैंक यू बोला दीदी को? थैंक यू तो धर्म ही नहीं है वो, तो धर्म कर्म है। अच्छा लग रहा है। सो, हमारे ना गेस्ट आए तो दीदी और मैं बना रहे पकौड़े और चाय। चाय का मस्त रंग चढ़ गया चाय में। और पकौड़े देखिए कुछ ऐसे बने, क्रंची क्रंची। इट वॉज क्विक प्लान, बट साथ में हम लोग गजब कर देते ना। मैम आप तो मैं अकेले आगे। तुम अकेले कर लेती हो, मुझे क्रेडिट नहीं देते। नो प्यार है एट ऑल। ठीक है, आते रहना अंकल आंटी। ये ना अंकल आंटी थे, एक भैया हैं, उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगी। मैं भी उनसे एक ही बार मिली हूँ, जीजा जी के दोस्त, तो उनके मम्मी पापा कलीग प्लस दोस्त। कलीग तो आओगे ना ऑफिस में, घर में दोस्त हैं और पड़ोसी भी है ये इन लोगों के। तो अंकल आंटी आए थे, थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर। अंकल तो बोल रहे थे, आंटी हिंदी नहीं बोल पाती हैं, बट दीदी को पता है कि कैसे कम्युनिकेशन करना है। सो, हमने थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड किया, चाय पकौड़े किया और अच्छा लगा। देखो घर से बाहर ना, जैसे दीदी तो इतने दूर है अपने घर से, कोई मिल जाए अपने जैसा तो बात ही कमाल की हो जाती है ना। तो दीदी बड़ा, मैंने देखा दीदी को बड़ा प्यार से उनको ट्रीट करी थी, और वो भी दीदी को अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, इंटरेक्शन बढ़िया हो रहा था। ट्रेन भी आती है इनके वहाँ अब, क्योंकि ना दीदा I usually call her दीदा ही, बट जब मैं उसको इंट्रोड्यूस कराती हूँ दीदी निकलता है मुझसे। तो दीदी बहुत टाइम बाद आई है व्लॉग में, आपको पता है, तो इतनी एक्साइटेड हो रही है कॉमेंट्स पढ़ने के लिए आपके। तो कुछ कॉमेंट्स पढ़ के आपको सुनाएगी, कॉमेंट्स ऑफ द डे जिन्हें कहेंगे हम। मेरी व्लॉग्स में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है ना, मतलब जिस थंबनेल में मैं होंगी ना वो व्लॉग में भी उसने आते। बाकी आज तेरे अच्छे भी आ रहे हैं, तेरे जीजा जी और मैं तेरे लिए लकी हैं। लकी नहीं है, इन लोग को मेरी शक्ल से मेरी प्रॉब्लम है शायद, इतनी खूबसूरत हूँ, बिंदी लगा के और भी खूबसूरत दिख रही हूँ। खैर दीदी आपको कमेंट्स पढ़ा रही, ठीक है? तो दर्शकों, अब से हम ना, मैं सोचा जब तक मैं आऊँ दीदी के हम व्लॉग बनाऊंगी, हर रोज हमें कमेंट पढ़ो सेशन। हाँ दीदी पढ़ेगी उनको। तो दीदा कमेंट ऑफ द डे, मैं लेटेस्ट अभी जो किया है इन्होंने, वन आर एगो किया हुआ है, कमेंट किया है कि मेरे को नहीं पता कि दीदी गुजरात, दीदा गुजरात में है, हाय दीदा केम छो माजा माँ, मुझे नहीं आता गुजरात में। और उन्होंने लिखा है कि आप लोग इफ पॉसिबल यहाँ भवाली में, कल संडे, यहाँ भी कल संडे है, हर जगह ही संडे होता है।
हंस क्यों रही है? उनको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा इसलिए उन्होंने पूछा है। नहीं, उन्होंने बोला कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने का। हम लोग का जो संडे होता है ना वो एक्चुअल में वेंसडे को होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो छुट्टी होती है वो ट्यूसडे और वेंसडे होती है। ट्यूसडे को हम दोनों का फास्ट रहता है तो हम लोग कहीं जाते नहीं है, इसलिए हमारा जो संडे है वो वेंसडे को होता है। तो मे बी वेंसडे को या फिर हम लोग वहाँ जाएंगे, अक्षरधाम जाएंगे या फिर। और तुम्हें ले जाने पड़ेगा, मैं घूमने ही आई हूँ इतनी दूर, मैं खाना बनाने और पंखा साफ करने नहीं आई हूँ, ठीक है? और एक और बात बता देती हूँ, थोड़े से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत बोरिंग है, मतलब हम दोनों ऐसे हैं, हम लोग घर के अंदर ही रह सकते हैं कई सालों तक, कई दिन जाए, दोनों इस मामले में सेम है। और लेकिन और, ये तो और हाँ और कोनी बैठक के घर के अंदर रहने की कैपेसिटी है 2 घंटा। और एक कमेंट है कि पति फौज में बीबी मौज में, तो मेरी ऐसी किस्मत नहीं है कि मैं मौज में रहूं क्योंकि मेरे पति फौज में नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और इनके पति आ गए, चलो 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 इनके पति से मिलते हैं दोस्तों, चलो 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 चलो। हाय हाय, आप फौज में हो? यस। तुम प्यार है, मैंने दिखा रही आ रही है, क्या है तुम्हारा ये क्या ड्रामा है ये? पता दीदी के उसमें क्या कमेंट आया था एक दीदी आपके वीडियो में, पति मौज में बीवी खौ अच्छा। तो आपको आर्मी में जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मौज करनी है। आर्मी वाला नहीं, मैं क्राइम ब्रांच वाला। इन लोगों के मैंने पंखे घिस जो घूम रहे हैं ना, ये घिस घिस के ऐसे साफ करे, चमका रखे है, चमकाए मैंने आपके पंखे। फैन चलाता कौन है? चल फैन चलाता कौन है? वो भी गंदा हो रहा है, कल वो भी साफ करना है, कल वो भी पोंछना है, पोछा लगाया, झाड़ू लगाया। मैं तेरी तारीफ करती, मैंने कहा बीवी तो काम की आई है, साली भी काम की है, क्या करे अपने मियां मिट्ठू नहीं बनने का। और कॉलर नीचे करने का। ये कॉलर ऊपर करके टपोरी नहीं बनने का। बाई बाई करती है, 5,000 रुपए देता हूँ मैं साफ करने का। मैं आज रात को अपना फ्लाइट कराती हूँ, फ्लाइट की बुकिंग नहीं होती है, ट्रेन कराती हूँ, कल सुबह मैं जा रही हूँ, इन्होंने मेरे को 22 से कंपेयर किया। इसके सामने 2,000 रुपए बैलगाड़ी से भी। तुम्हें क्या लगता है यार 2,000 रुपए कम हो? सुन लिया ना, बेइज्जती हो गई, फिर भी वीडियो नहीं देखोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, फेसबुक वाले शेयर नहीं करोगे, है ना? 2 पैसा नहीं आएगा यूट्यूब से कभी। 2,000 का 2,000। हमारा डिनर टाइम है और कंफ्यूज मत होना कि हमने राइस बनाया, क्योंकि हम दिन में रोटी खाते हैं और रात को राइस खाते हैं, क्योंकि टिफिन में रोटी जाती है ना, इनकी संगत में। और ये बनी है आज भटकी दाल, सफेद भटकी दाल, उधर रखा है सैलेड, और ये रखा है भांग की चटनी, ये है कोनी के जीजा जी जो कि बहुत शांत हैं। हाँ बहुत ज़्यादा, मुझसे पूछो कितने शांत हैं। मुझसे पूछो कितने शांत हैं। चलो अब हम इसका वो लेते हैं, क्या आनंद लेते हैं खाने का। नाउ वी आर गोइंग शाम की वॉक पे, और पता है सुबह की है बेटा, 12 बज चुका है कब का, तो इसीलिए जा रहे हैं। Now we are going शाम की वॉक पे, और पता है सुबह की है बेटा, 12 बज चुका है कब का। नहीं नहीं तू देख ना, सेम प्राइस है, मेरे को इतना मिला और इनको इतना सारा। वो थोड़ी होता है ये, आपने पे किया ना इसलिए आपको कम दिया। यार दिखाओगे, ये तो लॉस हो गया। दे तो ना, दीदी ने बोला एक्सचेंज कर लो, जीजा जी बोलते देखो कर देता हूँ, भैया एक्सचेंज हो जाएगा क्या? तब तो तुझे समझ भी नहीं आएगा ना, ये ना जोक्स भी नहीं समझती है, भोंदू है इनका। ये सिक्योरिटी गार्ड है इनकी बिल्डिंग, इनका सिक्योरिटी गार्ड जो है इस बिल्डिंग का, वो पसंद है घोड़े बेच के सो रहा है। मजा आ गया सुन के। बाय द वे अब आपको कल मिलते हैं, अब हम सो जाएंगे इस पे।